Hello all, this is Tanu Katyani Gupta. Again, you all are welcome to my channel Miracles of Krishna. Friends, आज मैं ये वीडियो फिर से बना रही हूँ इसी टॉपिक पर. मैंने पहले भी बनाई है बट अभी भी बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न है, तो सोचा कि एक बार और वीडियो बना देती हूँ और किसी का आप सबके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ मैं. आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. आज का टॉपिक ये है कि चैंटिंग टाइम विश को ध्यान में रखें या क्लीम को फोकस करें, क्लीम पर फोकस करें या विश को ध्यान में रखें. विश पर फोकस करना है, ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है माइंड में कि विश पर हम फोकस करें, क्लीम पर फोकस करें, दोनों पर करें, किस तरह से करें. तो मैं ये जो मैंने खुद किया वही आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगी. फ्रेंड्स, जब आप क्लीम चैंटिंग कर रहे हैं या आप कोई अदर मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, तो आप जिस किस जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उस पर से ध्यान हटाएंगे तो वो तो आपका यूजलेस हो गया ना. अगर आप विश पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो आप क्लीम कहाँ कर रहे हैं? आप तो विश के बारे में सोच रहे हो. विश के बारे में सोचना चाहिए, पूरा दिन है आपके पास, क्लीम करिए ना. क्लीम ही तो आपके विश को पूरा करेगा, क्लीम ही तो आपके विश को अट्रैक्ट करेगा, आप तक लेकर आएगा. अगर आप विश को ध्यान में करेंगे तो आप क्लीम को चैंट नहीं कर रहे, क्लीम को चैंट कीजिए. चैंटिंग के टाइम ओनली क्लीम को कीजिए. और सेकंड, आप अब बात आती है कि विश को कब सोचना है. पूरे दिन है, आप 10 बार क्लीम, 20 बार क्लीम बोल रहे हैं चलते फिरते, तब आप बोल लीजिए, अपनी विश को ध्यान कर लीजिए, उसको सोचिए, उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, फील कीजिए. और क्लीम चैंटिंग करने से पहले और क्लीम चैंटिंग करने के बाद आप अपनी विश के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप चैंटिंग के टाइम विश को ध्यान में रखोगे तो आप क्लीम नहीं कर पाओगे. आप ही खुद सोचिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको एक और काम दे दिया जाए तो क्या आप दोनों पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, फोकस हो सकता है दो दो काम पर? नहीं हो पाएगा. इसलिए विश को ध्यान में ना रखें, वो अपने आप हो जाएगी. उसके लिए प्रे कीजिए. आप क्लीम करने से पहले भी प्रे करें, क्लीम करने के बाद भी प्रे करें. और क्लीम फोकस, बस क्लीम चैंटिंग के टाइम ओनली क्लीम पर फोकस करें. ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ. और आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा. और ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. बाय बाय.